नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले यूनिक की के बारे में। यूनिक की क्या होती है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक यूनिक की। A unique key is a column or group of columns that uniquely identifies rows in a table. तो एक database table में जो हमारी rows होती हैं, उनको uniquely विशिष्ट रूप से अलग से identify करने के लिए जो columns, जो group of columns का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, unique key बोलते हैं। यहाँ पर column हमारे क्या होते हैं, attributes भी बोलते हैं column को, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो column या फिर attribute, group of columns, group of attributes जो क्या करे, uniquely identify करे rows को table में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे यूनिक की। यूनिक की हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यूनिक की के हमारे क्या होती है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं, देखते हैं कौन कौन सी होती है। इट इज यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल, तो टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन सब के लिए वो क्या होगी, यूनिक होगी, अलग होगी। ठीक है, वंस असाइंड द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज दैट इट इज नॉन अपडेटेबल, अगर एक बार यूनिक की हमारी असाइन कर दी गई तो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको अपडेट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। इट मे हैव नल वैल्यू, उसमें जो यूनिक की हो सकती है उसकी जो वैल्यू हो सकती है नल हो सकती है। नल का मतलब क्या है, कोई भी उसमें वैल्यू ना हो, जीरो, ठीक है, कोई भी वैल्यू उसमें पुट ना की गई हो। इसको एग्जांपल की मदद से समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल हमारा यूनिक की के लिए ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिक की इज आधार कार्ड नंबर, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हमारा, आधार कार्ड नंबर। द आधार कार्ड नंबर इज यूनिक फॉर ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया, तो इंडिया के जो भारत के जितने भी नागरिक है उनके सबके लिए आधार कार्ड नंबर क्या, यूनिक है, अलग है, विशेष है। ठीक है, यहाँ पर सिटीजन को हम क्या मान रहे हैं, टपल मान रहे हैं, टपल हमारी क्या होती है, रो होती है टेबल में। ठीक है, और इंडिया हमारी क्या, टेबल। ठीक है, इंडिया नाम से हम टेबल है हमारी डेटाबेस की टेबल, उस टेबल में हमारे क्या, सिटीजन का डेटा है। ठीक है, जिसको हम टपल हमारी रो है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो ये हमारी टेबल एक, ठीक है, जिसमें हमारे क्या है, मल्टीपल रोज है, मल्टीपल टपल्स है। ठीक है, If it get lost and another duplicate copy is issued, then the duplicate copy always has the same number as before. अगर हमारा आधार कार्ड गुम हो जाए तो उसकी जो अगर डुप्लीकेट कॉपी बनवाएंगे हम, ठीक है, उसकी जो नकल निकलवाएंगे हम, वो क्या होगी, उसमें भी जो आधार कार्ड का जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसे कि हमारे पहले वाले आधार कार्ड में था, वो चेंज नहीं होगा। Thus it is non updatable. तो इसलिए पता चलता है कि इसको बदला नहीं जा सकता, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता, एक बार जो हमें असाइन हो गया आधार कार्ड नंबर वही रहेगा। Few citizens may not have got their आधार कार्ड्स, तो कुछ ऐसे नागरिक भी होंगे हमारे भारत के नागरिक होंगे जिनको आधार कार्ड हमारा नहीं मिला होगा, जिनका आधार कार्ड नहीं बना होगा। ठीक है, सो फॉर देम इट्स वैल्यू इज नल, तो उन सब के लिए जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नल रहेगी, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी उसमें आधार कार्ड नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने ये पॉइंट देखे, प्रॉपर्टी का पॉइंट हमने पढ़ा था, इट मे हैव नल वैल्यू, उसके पास नल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसको समझते हैं हम इस टेबल की मदद से, क्लियर है बात। मान लीजिए इंडिया नाम से टेबल है हमारी, जैसे कि हमने पढ़ा एग्जाम्पल में, ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्या है, ये कॉलम्स है, सिटीजन आईडी, नेम, आधार नंबर। ठीक है, इनको आप कॉलम भी बोल सकते हो, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। ये हमारी क्या रोज है, 1, 2, 3, 4, चार हमारी रो है, या फिर आप इसको टपल भी बोल सकते हो। क्लियर है बात। इन दिस एग्जाम्पल आधार नंबर सर्व्स एज द यूनिक की, तो इस एग्जाम्पल में, इस टेबल के एग्जाम्पल में देखिए, तो जो आधार नंबर है वो हमारे क्या, यूनिक की की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ईच सिटीजन इन द टेबल हैज अ यूनिक आधार नंबर असाइन टू देम, जितने भी सिटीजन हमारी टेबल में, यहाँ पर चार सिटीजन है, 1, 2, 3, 4, चारों के पास क्या होंगे, अलग से आधार नंबर होंगे, सबके विशेष आधार कार्ड नंबर होंगे। ठीक है, अलग आधार कार्ड नंबर होंगे। ठीक है, वंस असाइंड द आधार नंबर कैन नॉट बी चेंज्ड, तो एक बार अगर असाइन कर दिया गया है, एक बार अगर आपका जो आधार कार्ड नंबर बना दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या चेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चेंज्ड, ये हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, नॉन अपडेटेबल, तो ये क्या नॉन अपडेटेबल है, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता, इसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, Some citizens may not have आधार कार्ड नंबर yet. कुछ citizens ऐसे भी होंगे जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नंबर नहीं होगा, मतलब आधार कार्ड नहीं होगा नंबर दी सॉरी जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा। ठीक है, सो देर आधार नंबर इज नल, तो उनका आधार नंबर क्या रहेगा, नल रहेगा, खाली रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अलाइस जॉनसन नाम से व्यक्ति है हमारा, इसके पास क्या आधार कार्ड नहीं है, तो उसका आधार नंबर क्या रहेगा, नल रहेगा। बाकी सबके पास क्या आधार कार्ड है, तो उनका आधार नंबर हमारा यहाँ देख सकते हैं, सबका आधार नंबर क्या है, अलग है। ठीक है, आप देख सकते हो, इसको अपडेट नहीं किया जा सकता। क्लियर बात। तो ये क्या थे, हमारी यूनिक की के बारे में कंप्लीट जानकारी थी, विद एग्जांपल हमने देख लिया, आधार कार्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।